जय हिंद साथियों, नमस्कार। गायत्री ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। ये चैप्टर जो है 4.3 था, ये प्रश्नावली 4.3 जो है, यानी पूछा गया जो भी प्रश्न था 2011 से लेकर 2024 तक, जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जो भी यानी प्रश्न जो है पूछा गया था, सारा का सारा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो आइए, ये 4.3 जो है प्रश्नावली, इसमें हम लोग 5 प्रश्न इससे पीछे 1 से 5 तक कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक। देखेंगे कहां तक, 6 से लेकर 10 तक टोटल 5 प्रश्न देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करेंगे, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिया गया है, कहा द्विघात समीकरण। क्या कहा गया? तो द्विघात समीकरण 2x² यानी 2x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात करें। यानी द्विघात समीकरण क्या ये है, तो मूल ज्ञात करना है। तो पहला गुणे अगर हम तीसरा की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 × 12, ये क्या होगा, 12। 12 को दो गुणनखंड ऐसे भाग में करेंगे, दो भाग में, यानी 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3। आप देखेंगे 2 × 2 = 4 और 3, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। और उसको जोड़ के हो या घटा के हो, जैसे हो, बीच वाला आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 2x² + 4x - 3x। अब देखेंगे 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा, 1x हो गया, और 4 × 12 भी हो जाएगा, और -6 है तो -6। अब यहां से हम लोग इसको साइड कर लेंगे। आइए देखते हैं, अब यहां से क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, ये और यहां से ये कॉमन कर लेंगे। 2x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x, और इसमें 2x कॉमन हो गया, 2 बच जाएगा। इसमें क्या होगा, -3 अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x, और 3 × 2 = 6, -+ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखेंगे ये और ये दोनों सेम है, तो x प्लस क्या होगा, 2 हो जाएगा, x प्लस क्या होगा, 2 हो जाएगा। और देखेंगे ये और ये, तो x + 2 और ये कहते 2x - 3 हो जाएगा। यही क्या करना है, तो मूल निकालना है। आइए देखते हैं, कहा मूल निकालना, तो मूल के लिए 0 होता है, बराबर सब में क्या है, 0 है। अब यहां से देखेंगे x + 2 = क्या होगा, 0 हो जाएगा, और क्या होगा, और x यानी ये 2x - 3 = 0। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ +2 है, इधर आएगा क्या होगा, -2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना, -2, और क्या होगा, x बराबर ये -3, इधर आएगा +3, और 2 गुना में इधर आएगा भाग में, इसलिए क्या होगा, मूल बराबर जो है x बराबर क्या होगा, -2 होगा, और क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मूल निकाल सकते हैं। ये 2017 का सप्लीमेंट्री में पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 7वां। तो ये प्रश्न जिन लोगों को राइट डाउन करना होगा अपना राइट डाउन कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको हम साइड कर दें। चलिए, तो जिन लोगों को राइट डाउन करना है अपना राइट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया आपका 6ठा प्रश्न, क्या हो जाएगा ये 6ठा, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 7वां। 7वां प्रश्न क्या कहा गया है, तो आइए देखते हैं। 7वां कहा द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना इतना का हल ज्ञात करें, यानी निकाले। अब देखेंगे सूत्र क्या था, सूत्र था ax² + bx + c = 0। अगर ऐसा हो समीकरण, तो इसके लिए मूल बराबर क्या था फॉर्मूला, मूल बराबर फॉर्मूला था -b + √(b²-4ac) और बाय कितना था, 2a, क्या था बाय, 2a, इस प्रकार से दिया गया था, यानी बाय क्या था, 2a। चलिए, अब यहां हम लोग क्या करेंगे, मान पुट कर लेंगे इसमें, इसमें मान क्या करेंगे, पुट करेंगे। मान पुट कैसे करेंगे, तो a x² के पीछे a है, तो x² के पीछे नहीं कुछ है तो 1 है, क्या होगा x का मान, यानी a का मान कितना, a का मान 1 हो जाएगा, और b का मान कितना, x के पीछे b, तो x के पीछे -3 हो जाएगा। c का मान कितना, -10 है तो -10,
अब यहाँ से माइनस बी, तो बी का मान माइनस तीन है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तीन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, माइनस तीन के स्क्वायर नौ, माइनस फोर ए सी, फोर ए का मान एक है और सी का मान माइनस दस है, क्या है माइनस दस है, और बट्टा टू ए क्या है टू गुने ए का मान एक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तीन प्लस माइनस रूट अंडर नौ, अब देखेंगे चार ये माइनस में माइनस माइनस प्लस, चार का चार दस चौके चालीस, क्या हो जाएगा चालीस, और यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये चालीस हो जाएगा, ये नौ हो जाएगा, नौ प्लस चालीस बट्टे क्या होगा दो इकाई दो। अब समझिए ये तीन हो गया प्लस माइनस, चालीस और नौ उनचास हो जाएगा, और उनचास का वर्गमूल सात हो जाएगा, उनचास का वर्गमूल क्या होगा सात हो जाएगा, और बट्टा क्या होगा टू हो जाएगा। अब यहाँ से कहा गया प्लस माइनस का मतलब एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, तो सात में यानी तीन में एक बार सात जोड़ेंगे और बट्टे टू करेंगे, और तीन में एक बार सात घटाएंगे और बट्टे टू कर लेंगे, और यही इसी को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकल जाएगा। तो सात में तीन में सात जोड़ेंगे, सात तीन दस बट्टे दो, तो दस बट्टे दो, और एक क्या होगा तीन माइनस सात यानी माइनस चार बट्टे दो, माइनस चार बट्टे दो। अब काट लीजिए दो पांचे दस और दो दूनी चार, ये कितना होगा पांच कोमा माइनस दो, यही हो जाएगा आपका मूल, क्या हो जाएगा यही मूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। जहां आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, यानी ये छठा हो गया, सातवां, सातवां भी हो गया, तो दोनों प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं इसको, ये प्रश्न संख्या सात हो गया। तो चलिए हम लोग आठवां देखते हैं प्रश्न क्या है, जिन लोगों को राइट डाउन करना है कर सकते हैं। आइए आठवां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया, कहा यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, क्या कहा गया यदि दो लगातार प्राकृत संख्या, अब ऐसी प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को कहते हैं। अगर हम पहली संख्या अगर x माने तो दूसरी संख्या क्या मानना पड़ेगा x प्लस वन मानना पड़ेगा। अगर मान ले गिनती की संख्या अगर एक है पहला, तो दूसरा क्या होगा दो होगा, तीसरा क्या होगा तीन होगा। तो अब एक में हम एक जोड़े तब तो दो हुआ, दो में फिर एक जोड़े तब तो तीन हुआ। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं ये पहली संख्या क्या हुआ x हुआ, तो दूसरी संख्या x प्लस वन, और दोनों का गुणनफल क्या है 20 है, दोनों का गुणनफल क्या है 20 है। तो प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से हो जाएगा ये x इंटू एक्स प्लस वन, और यही होगा बराबर 20। अब x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और बराबर इधर आएगा प्लस में है तो माइनस 20 हो जाएगा बराबर जीरो। अब गुणनखंड कर लीजिए, तो गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, तो पहला गुने तीसरा, तो 20 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे दो से 10, फिर दो से 5, अब समझेंगे दो दूनी चार पाँच, पाँच दूनी पाँच चौके 20। तो यहाँ ये समझ में आया ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 4x, क्योंकि 5 में से 4 घटाएंगे x हो जाएगा एक बच जाएगा, और 5 चौके 20 भी हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा बराबर जीरो। अब क्या करेंगे दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन, दोनों में x कॉमन होगा क्योंकि x और x, इसमें x बचेगा और प्लस इसमें 5 बचेगा, क्या बचेगा प्लस 5। अब यहां से माइनस 4 अगर हम कॉमन करते हैं तो x और माइनस माइनस प्लस 4 5 20 बराबर जीरो। अब देखेंगे ये और ये एक जगह लिख लेंगे x प्लस 5 इंटू ये x और ये माइनस 4 बराबर जीरो। अब इसको हम ये लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर जीरो और x माइनस 4 बराबर जीरो। अब हमको क्या करेंगे इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। आइए तो चलिए देखते हैं ये क्या है x प्लस 5 बराबर किधर आएगा क्या होगा माइनस, तो x बराबर माइनस 5 और क्या होगा x ये माइनस 4 बराबर कुधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या होगा माइनस 5 और दूसरा 4, तो माइनस तो हम ले नहीं सकते हैं
यानी असंभव हो जाएगा, x जो है माइनस पांच क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा चार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं असंभव, और चार लेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या चार तो दूसरी क्या माने थे x प्लस वन, तो पांच हो जाएगा, यानी x प्लस वन बराबर कितना पांच हो जाएगा, एक चार और दूसरा पांच, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब दोनों को गुणनफल गुणनखंड करेंगे यानी गुणनफल करेंगे, बीस हो जाएगा पांच के बीस। तो आइए हम लोग नेक्स्ट की बात करें, नौ, प्रश्न संख्या नौ देखेंगे। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, जिन लोगों को जहां कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये प्रश्न संख्या 2019 में जो है फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, ये आठवां प्रश्न। आइए नौवां प्रश्न देखते हैं, कहा द्विघात समीकरण इतना इतना को गुणनखंड विधि से हल करें। अब गुणनखंड विधि से ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, आइए देखते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स और प्लस टू बराबर कितना जीरो। अब क्या कहा, दो तीया छ, पहला गुणे तीसरा, छ को ऐसे दो भाग में तोड़िए जो जोड़ के हो घटा के हो, कैसे करना, दो रूट छ लाना। तो इसके लिए सैंपल चीज है, क्या करेंगे तो आइए देखते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस क्या करें रूट छ, छ को हम ऐसे बांट सकते हैं दो भाग में, रूट छ गुने रूट छ यानी एगो और एगो दोनों को और माइनस कर लेंगे तो दो हो जाएगा, यानी रूट छ एक्स और माइनस रूट छ एक्स और प्लस दो। अब देखेंगे माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, रूट छ गुने रूट छ एक छ हो जाएगा, तो बिल्कुल यहां से हम लोग कॉमन कर लेंगे, इस दोनों में कॉमन, फिर इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में क्या कॉमन होगा, इस दोनों में हम रूट तीन एक्स कॉमन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो रूट तीन, रूट तीन एक्स अगर कॉमन करेंगे क्या बचेगा, रूट तीन एक्स और माइनस रूट दो कॉमन बच जाएगा, और क्या बचेगा इसमें, माइनस अगर हम रूट क्या कॉमन कर लें दो, माइनस अगर रूट दो कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, रूट दो यानी रूट कितना तीन एक्स, क्या बच जाएगा रूट तीन एक्स, और रूट दो किए हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये रूट दो हो जाएगा। अब देखेंगे ये और ये दोनों सेम है, तो एक बार लिख लेंगे रूट थ्री एक्स माइनस रूट दो इंटू, और ये एक बार रूट थ्री एक्स माइनस, चलिए रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। अब देखेंगे ये और ये दोनों सेम बराबर जीरो, सब में बराबर क्या होगा जीरो। तो अब हम यहाँ से ये समझे, रूट थ्री एक्स माइनस रूट दो बराबर जीरो, और क्या होगा रूट थ्री एक्स माइनस रूट दो बराबर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, रूट थ्री एक्स बराबर ये माइनस दो इधर आएगा, क्या होगा प्लस में हो जाएगा रूट दो, और एक्स ये रूट थ्री गुना में यानी भाग में आ जाएगा रूट टू बाय रूट थ्री, और क्या होगा, और यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और उसी प्रकार से x बराबर माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, रूट गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर प्लस में यानी x बराबर हो जाएगा रूट टू बाय रूट थ्री, दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं, ये 2019 का जो है सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है, ये नौवां प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखेंगे अंतिम प्रश्न, दसवां प्रश्न। तो आज का जो ये होमवर्क था, इस होमवर्क में हम लोग दस प्रश्न यानी पांच प्रश्न देखेंगे, एक से पांच तक देखे हुए थे और छह से दस तक। तो जिन लोगों को राइट डाउन करना है अपना कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दसवां प्रश्न, आइए दसवां प्रश्न। तो दस क्या दिया गया है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर। तो द्विघात सूत्र क्या था, पीछे भी बताए थे, पीछे क्या बताए थे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बताए थे द्विघात सूत्र यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और मूल जो है ऐसा ऐसा है। तो आइए उसी को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आइए इसी को हम देखते हैं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे ये क्या लिखे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अगर ऐसा समीकरण होगा तो मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर होता है प्लस यानी मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और बाय क्या होता है टू ए,
ये आपको मतलब फार्मूला हो गया, ये क्या है फार्मूला, और ये फार्मूला है इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पे मान पुट करेंगे। तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के पीछे में a, एक्स स्क्वायर के पीछे में एक, तो एक हो जाएगा, और b, b का मान x के पीछे में, तो x के पीछे में माइनस चार है तो माइनस चार, और c, c का मान माइनस एक, क्या हो जाएगा माइनस एक, सी यहाँ तो माइनस एक। अब यहाँ से हम लोग मान पुट करेंगे बराबर, माइनस बी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चार का चार, रूट अंडर चार का स्क्वायर सोलह, बी स्क्वायर यानी चार का स्क्वायर सोलह, माइनस चार का स्क्वायर क्या होगा सोलह हो जाएगा, और फोर ए माइनस फोर गुने ए और गुने सी, सी का मान माइनस वन। अब यहाँ से देखेंगे और बट्टे टू ए, तो दो गुने एक, ए का मान एक है, और यहाँ से सॉल्व कीजिए, चार प्लस माइनस रूट अंडर सोलह और माइनस माइनस प्लस, चार का चार, चार का चार, सोलह चार बीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोलह और चार बीस हो जाएगा, बी का मान चार था चलिए बिल्कुल, तो सोलह चार कितना बीस हो जाएगा, बीस बट्टे कितना दो हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया। अब एक बार जोड़ लीजिए सोलह, इसका बरमूल भी हम लोग कर सकते हैं, तो बरमूल कितना हो जाएगा, चार प्लस माइनस दो रूट पाँच, दो रूट पाँच और बट्टे क्या होगा दो, दोनों में क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, दो अगर हम कॉमन ले क्या बचेगा, दो प्लस माइनस रूट अंडर पाँच बट्टे दो, और दो से दो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, दो से दो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, दो प्लस माइनस रूट अंडर पाँच, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखे 2020 का जो है फर्स्ट सिटिंग में ये पूछा गया प्रश्न था। तो जिन लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, तो 11 से लेकर 15 तक देखेंगे नेक्स्ट होमवर्क जो है वो 11 से 15 तक होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।